नमो नमः। आज की इस संस्कृत की कक्षा में हम पाठ्यक्रम में निर्धारित पुस्तक नीति शतकम के कुछ श्लोकों का अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम हम नीति शतक के रचयिता के विषय में जानेंगे कि नीति शतक की रचना किसने की और नीति शतक के अतिरिक्त रचयिता की और कौन कौन सी रचनाएं हैं। तो आइए जानते हैं नीति शतक के रचयिता के विषय में। महाकवि भर्तृहरि, जी हाँ, नीति शतक महाकवि भर्तृहरि की रचना है। और नीति शतक के अतिरिक्त इन्होंने कौन से अन्य मुख्य शतक रचे, इनके विषय में जानते हैं। तो जैसे सबको पता है कि भारतीय संस्कृत साहित्य में ऐसी अद्वितीय रचनाओं का भंडार है जो संपूर्ण समाज का मार्गदर्शन करती हैं, चाहे वे प्राचीन कालीन साहित्य हो या फिर आधुनिक काल का साहित्य। संस्कृत साहित्य के इतिहास में महाकवि भर्तृहरि एक नीतिकार के रूप में प्रसिद्ध हुए। भर्तृहरि की कृतियों का विवेचन करने पर यह ज्ञात होता है कि इन्होंने भर्तृ शतक नामक एक मौलिक रचना की जिसमें तीन शतक हैं, नीति शतक, श्रृंगार शतक तथा वैराग्य शतक। इन तीनों शतकों की उपदेशात्मक कहानियाँ लोगों में विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं। लोगों पर पूरा प्रभाव डाला इनके श्लोकों ने। तो आइए बात करते हैं पाठ्यक्रम में निर्धारित नीति शतक के विषय में। नीति शतकम, सर्वप्रथम हम इस शब्द का अर्थ जानेंगे। नीति जमा शतक, नीति अर्थात व्यवहार, शतक सौ। तो नीति शतक का अर्थ हुआ व्यवहार से संबंधित सौ श्लोकों का संग्रह। नीति शतक के प्रत्येक श्लोक में कवि भर्तृहरि ने नैतिकता का उल्लेख किया है। श्लोकों के माध्यम से भर्तृहरि ने अपने जीवन के अनुभवों को नीति शतक में चित्रित किया है। इसमें नीति से संबंधित श्लोकों का संग्रह है। यह व्यवहारिक उपदेशों का भंडार है। इसमें वर्णित श्लोक तो इतने मन को छू जाने वाले हैं कि ये पढ़ने और सुनने वालों के हृदय में उतरकर उनका मार्ग प्रशस्त करते हैं, उन्हें प्रेरणा देते हैं। नीति शतक में विशेष रूप से वीरता, विद्या, दया, उदारता, परोपकार और साहस जैसे मानवीय मूल्यों को अपना विषय बनाया गया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि भर्तृहरि ने पूरे मानव समाज के लिए नीतिगत बातों को श्लोकों के माध्यम से बड़े सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। शायद यही कारण है कि ये बीए प्रथम वर्ष के पाठ्य पुस्तक भी है, ताकि छात्र छात्राएं इससे प्रेरणा लें और अपने जीवन को आगे प्रशस्त करें, अपने जीवन को और उत्तम बनाएं। तो आइए अध्ययन करते हैं नीति शतक के कुछ श्लोकों का। सर्वप्रथम जो श्लोक हमारे सामने प्रस्तुत है, उस श्लोक के माध्यम से भर्तृहरि जी ने उत्तम श्रेणी के लोगों के स्वभाव के विषय में बताया है कि उत्तम लोग वो होते हैं जो अपने द्वारा प्रारंभ किए हुए कार्य को पूरा करके ही दम लेते हैं, चाहे उनके रास्ते में कितनी ही रुकावटें क्यों ना आ जाएं। तो प्रस्तुत श्लोक में महाकवि भर्तृहरि ने कार्य की शैली के आधार पर मनुष्य की तीन कोटियां, तीन श्रेणियां बना दी। कौन कौन सी, तो पढ़ते हैं। प्रारभ्यते ना खलु विघ्न भेन नीचैः, प्रारभ्य विघ्न विहिता विरमति मध्यः, विघ्नै पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानः, प्रारब्धम उत्तम जना ना परित्यजन्ति। तो क्या कहते हैं इस श्लोक में भर्तृहरि जी, कि जो
नीचैः, जो अधम श्रेणी के लोग हैं, जो सबसे निम्न श्रेणी के लोग हैं, वो विघ्न भयेन, मुसीबतों के डर से ना प्रारभ्यते, कार्य को निश्चित रूप से प्रारंभ ही नहीं करते। कार्य को शुरू करने से पहले ही उनके मन में विचार उठने लगते हैं कि अगर मैं इस कार्य को करूंगा या करूंगी तो मुझे ये मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। तो इन सारी चिंताओं से घिरे हुए वो कार्य को प्रारंभ ही नहीं करते। अब देखते हैं कि दूसरी श्रेणी कौन सी है। प्रारभ्य विघ्न विहिता विरमति मध्या, जो मध्यम श्रेणी के अर्थात दूसरी श्रेणी के लोग हैं, प्रारभ्य वो काम को शुरू तो कर लेते हैं विघ्न विहिता, लेकिन जैसे ही विघ्न विहिता वो विघ्नों द्वारा सताए जाते हैं, परेशान किए जाते हैं, विरमति मध्या वो अपने प्रारंभ किए हुए कार्य को बीच में ही रोक देते हैं, अपने कार्य को पूर्ण नहीं करते। लेकिन विघ्नै पुनः पुनःपि प्रतिहन्यमानः प्रारब्धम् उत्तम जना ना परित्यजन्ति। किंतु उत्तम जन, श्रेष्ठ जन पुनः पुनः बार बार विघ्नों के द्वारा सताए जाने पर भी प्रारंभ किए हुए कार्य को बीच में नहीं छोड़ते, पूरा करके ही छोड़ते हैं, पूरा करके ही दम लेते हैं। तो इस प्रकार भर्तृहरि जी के इस श्लोक के माध्यम से हमें भी ये प्रेरणा मिलती है कि हमें विघ्नों के, मुसीबतों के डर से कभी भी अपने काम को छोड़ना या बीच में रोकना नहीं चाहिए, बल्कि जीवन में निरंतर संघर्ष करते हुए उस कार्य को पूर्ण करके उसमें अवश्य ही सफलता प्राप्त करनी चाहिए। तो चलते हैं अगले श्लोक पर। अगला श्लोक जो हम हमारे सामने प्रस्तुत है, इस श्लोक में भर्तृहरि जी ने सज्जनों के स्वभाव के विषय में बताया है कि जो न्याय के पथ पर चलने वाले, सत्य के पथ पर चलने वाले सज्जन पुरुष हैं, वो अपने जीवन में कठोर व्रत और नियमों का पालन करते हैं और कभी भी उस व्रत से, उन नियमों से पीछे नहीं हटते। तो देखिए क्या कहते हैं भर्तृहरि जी। असंतो ना अभ्यर्था, जो सज्जन पुरुष हैं वो कभी भी किसी भी परिस्थिति में असंतो, दुष्टों से ना अभ्यर्था प्रार्थना नहीं करते। सुहृदपि ना याच्या कृशधन, कृशधन कम धन वाले, यानी अपने गरीब सुहृदपि अच्छे मित्र से भी कभी नहीं मांगते। अर्थात अगर उनको पता है कि मेरे मित्र के पास अल्प धन है तो अपने परम मित्र को वो कभी भी असमंजस की स्थिति में नहीं डालते, उससे कभी मांगते ही नहीं। इसके अतिरिक्त क्या गुण है इनमें? प्रिया न्याया वृति, हमेशा इनका जो व्यवहार है वो प्रिय और न्याय से युक्त होता है, सदैव न्याय के रास्ते पर चलते हैं। इसके अतिरिक्त अमलिनम, क्या कहते हैं? मलिनम असुकरम अपि असुभंगे, कि ये कभी भी जीवन में निंदित या गलत काम नहीं करते, चाहे इसके लिए इनके प्राणों का ही नाश क्यों ना हो जाए, कि प्राणों के नाश हो जाने पर भी ये कभी निंदा योग्य काम नहीं करते। और क्या विशेषताएं हैं सज्जन पुरुषों की? विपदई उच्चै स्थेयम्, विपत्ति में भी सदैव ये धैर्य धारण करते हैं, ऊंचे बने रहते हैं, और पदम अनुविधेयम च महताम, और पदम अनुविधेयम अनुसरण करते हैं किसका? महताम, महान पुरुषों का, सदैव महान पुरुषों के मार्ग का ही अनुसरण करते हैं।
तो भर्तृहरि जी बड़े आश्चर्यचकित हैं, बहुत हैरान होते हैं कि सताम केनुदिष्टम, कि सज्जनों को किसने बताया है विषम असि धाराव्रत इदम, कि ये कठोर तलवार की धार पर चलने के समान ये व्रत सज्जनों को किसने बताया है, अर्थात किसी ने नहीं, क्योंकि सज्जन पुरुषों का, महान पुरुषों का ये स्वभाव ही है कि वो कभी भी न्याय के पथ से कभी नहीं भटकते, न्याय के पथ से वो कभी नहीं विचलित होते, चाहे इसके लिए उन्हें कितनी भी कठिनाइयों का सामना क्यों ना करना पड़ जाए, लेकिन वो सत्य का मार्ग कभी नहीं छोड़ते। तो इस प्रकार भर्तृहरि जी के इस श्लोक से हमें भी यही शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी अपने स्वार्थों के लिए, अपने आदर्शों के साथ, अपने नियमों के साथ, असूलों के साथ समझौता नहीं करना चाहिए, क्योंकि सच का रास्ता तो सचमुच तलवार की धार पर चलने के ही समान है। तो आइए चलते हैं अगले श्लोक पर। परिवर्तनी संसारे मृतो को वाना जायते, स जातो येन जातेन याति वंशाः समन्नतिम्। तो क्या कहते हैं इस श्लोक में भर्तृहरि जी, कि मनुष्य जीवन जो है उसकी दो कटु सच्चाइयां हैं, जन्म एवं मृत्यु, कि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु भी अवश्य होगी। तो क्या कहते हैं, परिवर्तनी संसारे, इस परिवर्तनशील संसार में मृतो को वाना जायते, कौन नहीं मरता और कौन पैदा नहीं होता, अर्थात संसार में उत्पन्न होने वाले प्रत्येक मनुष्य का यही स्वभाव, यही धर्म है कि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु भी अवश्य होगी, ये नियति का अटल नियम है। परंतु स जातो येन जातेन याति वंशः समुन्नति, लेकिन कहते हैं स जातो, वास्तविक रूप में तो वही पैदा होता है येन जातेन, जिसके पैदा होने से याति वंश समुन्नतिम, जिसके पैदा होने से वंश उन्नति को प्राप्त होता है, अर्थात उसके वंश की गौरव और वृद्धि होती है। प्रस्तुत श्लोक के माध्यम से भर्तृहरि जी हमें ये समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि इस परिवर्तनशील संसार में तो रोज़ाना ही कितने लोग पैदा होते हैं और न जाने कितने ही लोग मर जाते हैं, लेकिन कुछ जन्म लेकर अपना जन्म सफल बना जाते हैं। किस प्रकार? अपने कर्मों के माध्यम से, अपने कार्यों के माध्यम से वो ऐसे प्रशंसनीय कर्म और ऐसे महान काम करके जाते हैं कि सदैव सदैव उनको याद किया जाता है और उनका वंश गौरव से भर जाता है। भर्तृहरि जी इस श्लोक के माध्यम से हमें ये समझाना चाहते हैं कि इस अस्थिर संसार में न जाने कितने ही मनुष्यों का रोज़ जन्म होता है और न जाने कितने ही मनुष्य रोज़ मरते हैं, किंतु असलियत में, यथार्थ रूप में जन्म लेना उन्हीं का सफल है, उन्हीं का जन्म लेना यथार्थ है जिनके जन्म लेने से हमारे समाज को, हमारे राष्ट्र को कोई लाभ हो, हम अपने कार्यों से, हम अपनी करनी से इस समाज को कुछ दे के जाएं, तो सचमुच हमारा जन्म लेना तभी सफल है। जितने भी हम महान पुरुषों के विषय में पढ़ते हैं, तो अगर हम उनकी जीवनियों पर दृष्टिपात करें तो हमें ये देखने को मिलता है कि वो अपने लिए अल्प और समाज और राष्ट्र के लिए अधिक करके गए हैं। तो इस श्लोक के माध्यम से
महाकवि भर्तृहरि जी हमें प्रेरित कर रहे हैं कि जो अपने कुल, अपने समाज, अपने राष्ट्र के लिए जीवन व्यतीत करता है, उनके उत्कर्ष के बारे में सोचता है, वास्तविक रूप में जीना तो उसी का जीना है, क्योंकि अपने लिए तो सभी जीते हैं। तो इस प्रकार हमने नीति शतक के इन श्लोकों को पढ़ा, सुना, और पाठ्यक्रम में इस तरह की पुस्तकें तभी लगाई जाती हैं कि हम इनसे प्रेरणा लेकर अपने जीवन को और उत्तम बना सकें और बढ़िया श्रेष्ठ बना सकें। तो बच्चों, मैं यही आशा करती हूँ कि आज जिन श्लोकों को हमने पढ़ा, केवल ये पढ़ने भर के लिए ना रह पाए, हम इनको वास्तविक रूप में भी उतने ही तन्मयता से धारण करने का प्रयत्न करें, इसको पढ़ने की सफलता और इसको पाठ्यक्रम में लगाने की सफलता तभी निश्चित हो पाएगी। धन्यवाद।